फर्स्ट टाइम खा के देखें कैसा लगे। हाँ मैंने ग्रीन खाई है, ली भाई के हाथ की रेड खाई है, चर्सी कढ़ाई खाई है। बिल्कुल आए हैं भाई, बेहतरीन चीज पका रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन जायका। किस चीज की शिकायत है? सबका अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है, जायका भी अच्छा है, अली भाई के हाथ में माशाल्लाह टेस्टी है, टेस्ट है। आप भी आए एक बार ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत अच्छा है टेस्ट। आपके बारबेक्यू आइटम माशाल्लाह बहुत अच्छे। जी हमने खाया दो तीन मरतबा। अब बेसिकली मैं हैदराबाद का हूँ, लेकिन इनसे ज्यादातर मैं इनसे ही लेके था। एक दफा आए यहाँ चक्कर लगाए, टेस्ट करें खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका मेजबान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK News। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो आदम के एक चलते हुए रोड, ये देख रहे हो आप, ये हैदराबाद रोड कहलाता है। इधर जो है एक और रेस्टोरेंट का इजाफा हुआ है, इसका नाम मैं ज़रा बता दूँ आपको, अल फज्र रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू के नाम से ये रेस्टोरेंट खुला है। तो सबसे पहले अपने अपने कैमरा मैन से कहूँगा ज़रा इसका ये जो नाम लिखा हुआ है ये ज़रा दिखाएं करीब से, ताकि आपको इधर आने में कोई परेशानी नहीं हो, तकलीफ़ नहीं हो कि कहाँ पर है। ये सारा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि अपना ये भाई जो है क्या नाम है बना रहे हैं, खाना बनाने में बड़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखना ये कि इधर जो खाना बन रहा है क्या आपको पसंद आता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ये इधर के जो लोगों ने मुझे बताया है कि खाना ज़रूर यहाँ पर बेहतर होगा, अच्छा होगा। मैं ज़रा ये जो भाई खाना बना रहे हैं इनसे भी ज़रा बात करेंगे, इनसे भी मालूम करेंगे कि इनकी क्या डिश ऐसी है जो ज़्यादा मशहूर है और इनके हाथ का खाना जो ना लोग कहाँ कहाँ से खाने के लिए आते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर आपके अलावा भी खाना बनाता है आप? फिलहाल तो मैं अकेला हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन डिश क्या है आप? चिकन कढ़ाई, पूरे टंडो आदम में फेमस हूँ चिकन कढ़ाई। अच्छा चिकन कढ़ाई जो है आपकी फेमस है पूरे टंडो आदम के अंदर, तो लोग आते हैं यहाँ पर? जी दूर से बिरानी, जामगोट, शिदाजपुर, हर जगह से आते हैं माशाल्लाह। तो कैसा आपको रेस्टोरेंट मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। तो आपके हाथ में किस तरह का जायका है? बहुत तो लोग बताएंगे आने के, हम तो कोशिश अच्छी करते हैं। चलें अच्छा मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बातचीत करेंगे। सलाम, क्या लेना है? हमारे कबाब फ्राई लेने। जी कबाब फ्राई लेने आए थे। कबाब फ्राई कैसे बनाते हैं ये? माशाल्लाह से अच्छी बनाते हैं, बेहतरीन चीज़ है। क्या कहोगे टंडो आदम के लोगों, कहोगे इधर आए जरूर खाना खा के जाएं? बिल्कुल आए भाई, बेहतरीन चीज़ पका रहे हैं, VIP तरीके से, मसाले वसाले हर चीज़ टाइट है माशाल्लाह से, हाथ भी सेट है इनका। क्या लेना है? कबाब फ्राई। कैसे कबाब यहाँ के? बहुत अच्छे हैं। कोई शिकायत तो नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। तो कैसी इनके कबाब? माशाल्लाह जबरदस्त है। आप आते हैं इधर? आते हैं, हम आते रहते हैं से ले रहे। तो बेहतरीन है, कोई शिकायत किसी की? किसी चीज की शिकायत है? कैसा बन रहा खाना वगैरह? यार माशाल्लाह अच्छा खाना चल रहा है, सही सफाई चल रहा है, अच्छा खाना चल रहा है। सफाई का इंतजाम है? सफाई का खास ख्याल? सफाई भी है, अच्छा खाना भी चल रहा है। कौन सा ज्यादा अच्छा टेस्ट है? यार सबका अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है, जायका भी अच्छा है अली भाई के हाथ में। तो अभी मेहमान आए थे कराची से भी, उनके लिए लेकर गए थे, वो बोल रहे थे माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छा है। इससे पहले भी लेकर गए? इससे पहले भी लेकर गए। तो कैसा पाया? सही है, बेहतरीन, बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत प्यारा जायका है। रेट वगैरह सही है? रेट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। क्या क्या कहेंगे इधर खाना कैसा मिलता है? माशाल्लाह खाना बहुत टेस्टी है, ट्राई किया था बोटी फ्राई वगैरह और दाल फ्राई वगैरह, मतलब माशाल्लाह टेस्टी है, टेस्ट है। आप भी आए एक बार ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत अच्छा है टेस्ट। अच्छा मैंने सुना है चिकन कढ़ाई और वो शामी कबाब की जो फ्राई कर देते हैं, ये दो डिशें बड़ी टॉप क्लास की हैं, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह मैंने भी ट्राई किया था, माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, कबाब फ्राई का और चिकन का, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। टंडो आदम वालों के लिए क्या पैगाम देंगे कि क्या आना चाहिए उनको? नहीं इधर, हाँ टंडो आदम वालों को भी आना चाहिए, बोला ट्राई करें, बहुत तो अच्छा आने के शौकीन है, एक बार चक्कर लगाएं। जी इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाएं, बहुत अच्छा टेस्ट तो है, टेस्ट इधर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पक्की गवाही दे रहे हैं? जी बिल्कुल। इधर जो खाने का टेस्ट है कैसा है? अच्छा है माशाल्लाह। मैं एक दफ़ा जब ये न्यू खुला था, मैं उसके दूसरे दिन अपने घर वालों के लिए बारबेक्यू लेके गया था, इनके बारबेक्यू आइटम माशाल्लाह बहुत अच्छे, दाल फ्राई वगैरह भी इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो माशाल्लाह इनका अच्छा है खाने का टेस्ट और रेट वगैरह भी सही है माशाल्लाह। अच्छा ये टंडो आदम वालों के भी जो भी व्यूअर्स देखे तो उनको जरूर कहूंगा कि हैदराबाद रोड पर ये दुकान है, जरूर आकर यहाँ पर टेस्ट करें, माशाल्लाह आपको मजा आएगा खा के इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है इनका और बहुत अच्छा जायका खाने का माशाल्लाह। ये नाम पता है इसका आपको? जी क्या नाम है? अल फजर रेस्टोरेंट। अच्छा इसका मतलब खाना खाया? जी खाया। तो कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है सर। शिकायत तो नहीं ना कोई? नहीं शिकायत नहीं है, बेहतरीन है खाना, बेहतरीन। ये अल फजर जो रेस्टोरेंट है अभी नया खुला था, तकरीबन एक महीना सवा महीने के लगभग हुआ है, तो क्या कहेंगे खाना वगैरह कैसा है? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन डिशेज है, टेस्टी भी है और ये कि चिकन कढ़ाई हम लोग लेने आए तो माशाल्लाह जायकेदार है, तो इंशाल्लाह अभी बनवाइए खा के देखते हैं। नई चीज़ ज़ाहिर खुली होगी तो ज़ाहिर कोई जायके वगैरह होगा, तो इस वजह से
हमने कहा चलो टेस्ट करके देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आए, फर्स्ट टाइम खा के देखें कैसा लगे, तो इंशाल्लाह फिर आते रहेंगे बार बार, एक दफा जब खाएंगे तो। अच्छा, यहाँ पर रेस्टोरेंट के सामने जो ना एक छोटा सा केबिन है, मैं जरा इनसे बातचीत करूंगा, इनसे भी इनके तासुरात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताएं? मेरा कय्यूम मलक। अच्छा मलक साहब, मुझे ये बताएं कि जो सामने रेस्टोरेंट खुला है अल फजर के नाम से, क्या कहेंगे इसके बारे में? माशाल्लाह से इस रोड पे पहली बात तो ये है कि तो होटल नहीं थी, और बहुत अच्छी जगह पॉइंट पे होटल खुली है, और जो हमारे अली भाई हैं ईरानी कैंटीन के कारीगर थे किसी टाइम पे, अली भाई ने अपना सेटअप इधर डाला माशाल्लाह से। इसकी बोटी फ्राई खा लो, कढ़ाई खा लो, मगज खा लो, जो भी मकसद आइटम है जिस हिसाब से बोलोगे उस हिसाब से जाएगा माशाल्लाह से। आते हैं, रश होता है माशाल्लाह से, खा पी के जाते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पर अली भाई जो ना वो चिकन कढ़ाई बड़ी बनाते हैं ज़बरदस्त, आपने टेस्ट किया अब तक? हाँ, मैंने ग्रीन खाई है अली भाई के हाथ की, रेड खाई है, चर्सी कढ़ाई खाई है, वाइट खाई है माशाल्लाह से। मेहमान आते हैं कराची वगैरह से तो हम अली भाई को ऑर्डर देते हैं, अपनी केबिन पर ही बैठ के खाते हैं। अभी पिछले हफ्ते भी मेहमान आए थे, हमने अली भाई को ऑर्डर दिया था माशाल्लाह, इतनी प्यारी बनाई थी, जैसे चीज़ें ऐसे पैसे लेता। बाकी ये है कि रेट बिल्कुल मुनासिब है। हमारे रोड पर आए अली भाई के हाथ की कढ़ाई, चर्सी कढ़ाई है, वाइट ग्रीन है माशाल्लाह से। अभी तिक्के ब्रोस्ट रोज़ों में भी सेटिंग डाल रहे हैं कि आए, और होटलों में भी आपने खाया होगा माशाल्लाह से, ईरानी कैंटीन के सीनियर कारीगर हैं माशाल्लाह से। आप खाओगे तो पता लग जाएगा आपको, आप खुद बोलोगे कि वाकई यार अपने पैसे सही जगह पे खर्च करें माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो क्या पसंद आ रहा है, आपने क्या खाया वैसे? तो हर चीज़ खाता हूँ इनसे, अक्सर मैं दाल फ्राई, ये कीमा फ्राई, ये सब लेके जाता हूँ मैं। इधर आना चाहिए, अच्छे रेस्टोरेंट खुला है ये। अच्छा, कोई सफाई वफाई के मामले में तो नहीं है यार? वो धोई नहीं है चिकन वगैरह? नहीं 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 नहीं, साफ सुथरी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, मुतमईन है? मुतमईन हूँ, कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं। जीरा इसमें फार्मूले भी हमारे, काली मिर्च और ये अपना धनिया है और मसाले वगैरह जो सीक्रेट वगैरह थोड़े। ये इधर क्या रखा हुआ, ये भिंडी रखी हुई है या मिर्ची? नहीं, ये हरी मिर्ची है। अच्छा, हरी मिर्ची। हाँ, और हरी मिर्ची के साथ साथ ये क्या बना रहे, क्या है आप? ये दाल फ्राई कर रहे हैं भाई, हैदराबाद से आते हैं। अच्छा, ये दाल फ्राई का। ये और क्या क्या चीज थोड़ा बताते हैं, ये गोल गोल क्या है थोड़ा बताएं? ये शामी कबाब है, ये बीफ का कीमा है, वो दाल अंडा है, बोटी फ्राई है, चिकन कढ़ाई है। हाँ, बेहतरीन। सही, क्या कहेंगे कैसा बनता खाना है? क्या इमरान खान जिंदाबाद। अली भाई खाना अच्छा बनाते हैं? अली भाई अच्छा बनाते हैं। पक्का? पक्का, ऐसा नहीं है वो मेरे को देखकर बोल रहा है? पक्का, नाम लिया था मैंने। नहीं नहीं, इमरान खान जिंदाबाद। अब जो है मैं जो रेस्टोरेंट के जो मालिक है उनसे जरा बातचीत करना चाहूंगा। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो मैं तारुफ करा दूं, मोहम्मद आसिम। अच्छा आसिम भाई, मुझे बताएं कि ये रेस्टोरेंट जो ना तकरीबन कितना टाइम हो गया, ये थोड़ा बताएं। रेस्टोरेंट को लगभग एक मंथ हो गया। नाम थोड़ा बताएं इसका? नाम है अलफजर। अच्छा, अलफजर के नाम से। तो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपका? माशाल्लाह जबरदस्त रेस्पॉन्स है। तो ये मुझे बताएं कि इधर जो आपने कारीगर रखा हुआ है ये कैसे हैं, अच्छा है खाना बना रहे हैं आप? मुतमईन? मुतमईन है, जब तो रेस्टोरेंट अपना चल रहा है, माशाल्लाह जबरदस्त खाना बन रहा है। अच्छा, ये कहीं और भी कहीं काम करके आए हैं क्या, ये कोई पुराने कारीगर हैं या नए हैं, क्या थोड़ा बताएं हमारे नाज़रीन के? नहीं, इनका इस काम में बड़ा एक्सपीरियंस है, पहले ईरानी कैंटीन में हुआ करते थे ये, वहाँ भी तकरीबन 32 साल, 92 से वहाँ मतलब कुकिंग का ही काम कर रहे हैं। चाहते हैं यार कम से कम एक बार जो खाने पीने के शौकीन है वो जरूर आए। एक बार तो लाजमी है क्योंकि 32 साल का एक्सपीरियंस है, चेक तो करें ना, पता चले भाई क्या है, पता तो चले। भला आप मुतमईन है? हम तो मुतमईन है कि ये जो रेस्टोरेंट है इसका जो कारीगर आए हैं वो 32 साल से जो ना इस काम में है, और इधर ये टंडो आदम की ईरानी कैंटीन के नाम से बहुत मशहूर है, वहाँ पर इन्होंने काम किया है, 32 साल का तजर्बा इनको, और ये आसिम भाई हमारे नज़र आ रहे होंगे आपको, ये रेस्टोरेंट के मालिक हैं। तो ये इनका पैगाम ये है कि सिर्फ एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, जो आप हर किस्म के मुख्तलिफ किस्म के डिशेज़ है ज़रूर खाएं आके, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। अगर मज़ा नहीं आए तो आप मेरे होटल पे या रेस्टोरेंट में दोबारा मत आइएगा, ये इनका कहना है। तो ये चैलेंज ज़रूर है इनका, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ज़रूर एक बार आएँ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा कैमरा मैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़।